प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। इसका कारण क्या हो सकता है? शायद यह कि हम हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर से केवल हमारी अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक साधन बनाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना कैसी करना चाहिए। जब हम हमारी प्रार्थनाओं में सबसे पहले हमारी इच्छा पूरी होने का विनती करते हैं, तब प्रभु यीशु हमें कुछ और सिखाता है। हे हमारे पिता, प्रार्थना में हम सबसे पहले तीन निवेदन करते हैं। हे हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, और तीसरी, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। प्यारे दोस्तों, यह प्रभु यीशु हमें सिखा रहे हैं कि हमें हमारी प्रार्थनाओं पर कम और ईश्वर की इच्छाओं में ज़्यादा निर्भर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हमारे लिए ऐसा नहीं देगा जो बुरा है। जब कभी हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर को अपना इच्छा के अनुसार झुकाने का कोशिश करते हैं, उसके बजाय हमें खुद को ईश्वर की इच्छा के अनुसार झुकाने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में केवल उसकी ही इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और उसके बाद ही हम इस प्रार्थना के दूसरे भाग में, यानी हम चौथी प्रार्थना कर सकते हैं, और वह है, हमें प्रतिदिन का आहार प्रदान कीजिए, हमें पाप क्षमा कीजिए, हमें परीक्षा में ना डालिए और हर बुराई से हमारी रक्षा कीजिए। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस क्रम को बदल देता है जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं। यदि हम इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक बोलते हैं, जैसा कि यीशु ने हमें इस प्रार्थना को सिखाया है, तब हम अपने जीवन को बदलते हुए देख सकते हैं। जैसा कि आविला की संत तेरेसा कहती है, मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतने कम शब्दों में हर प्रकार का चिंतन कैसे समाहित है। यदि हम केवल इस प्रार्थना का अध्ययन करें तो हमें किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें पहले से ही हर तरह की प्रार्थना सिखा दिया है जो हमें करना चाहिए। तो आइए हम अपने आप से यही सवाल पूछें, जब कभी मैं प्रार्थना करता हूँ तो क्या मैं केवल प्रभु के सामने शर्त रखता हूँ या प्रभु पर निर्भर रहता हूँ?